जी हिंद दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती 2020 की एक लेटेस्ट जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही खास है। और ये जानकारी अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड के बारे में होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब ये आपका फॉर्म फिलअप किया गया था दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड, गेम वाचर का, तो इसमें जो आपका एग्जाम सेंटर था वो आपका सिर्फ दिल्ली के अंदर था। यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपका एग्जाम दिल्ली के अंदर ही होना था। पर यहां पर आप लोगों के ज्यादा मात्रा में फॉर्म को देखते हुए दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया है कि आपका अब एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होगा। जी हां दोस्तों, और यही आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हमारे से दिल्ली इतना काफी दूर पड़ता है तो हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे। पर अभी आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने पीडीएफ है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ये जारी किया गया है आपका 20 फरवरी 2020 को। और यहां पर दोस्तों जो आपकी पोस्ट है वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर की, इनका जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 15 मार्च एंड 16 मार्च 2020 को होगा। साथ ही अगर आपने इन पोस्ट पर आवेदन किया है तो आप अपने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस यहां पर आप 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2020 के अंदर दे सकते हो। और ये आपको कैसे देनी है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपने जहां से अप्लाई किया था आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, और यहां पर आने पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉग इन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहां पर सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे क्लिक हियर, क्लिक ऑन सेंटर चॉइस डिटेल्स टैब, और साथ ही क्लिक हियर टू फिल सेंटर चॉइस। दोस्तों मेरे यहां पर ये लिंक एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि मैंने ये फॉर्म डेमो के रूप में भरा था और इसकी फीस भी जमा नहीं की, इसी वजह से ये लिंक एक्टिवेट नहीं है। पर यहां पर आपके सामने लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक को ओपन करके यहां पर अपने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे देनी है कि आप कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो। और यहां पर दोस्तों आप इस पीडीएफ के अंदर यह भी चेक कर सकते हो कि कहां कहां पर अब आपके एग्जाम होंगे। यहां पर आपके सामने सभी जो वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है, इन पर जो आपकी स्टेट और सिटी वाइज एग्जाम सेंटर आप यहां पर देख पा रहे हो, आप यहां पर इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और जो आपकी दोस्तों रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, इसकी जो सिटी प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड है वो आप 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2020 के बीच दे पाओगे। यानी कि अभी आपको इसके अंदर लिंक नहीं मिलेगा, पर आपने अगर फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट पर आवेदन करके रखा है तो आपको 25 फरवरी को अपना जो अकाउंट है ओपन करना है, उसमें आपको सेम तरीका लिंक देखने को मिलेगा, और वो लिंक ओपन करके आपको वहां पर अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस चूज कर लेनी है, और ये आप 3 मार्च 2020 तक कर पाओगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चूज करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि वो उनके अकाउंट के अंदर लिंक नहीं आता या फिर किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से वो अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस चूज नहीं कर पाते, तो उनका क्या रहेगा, उनको ऐसा होगा जो आपने एड्रेस फिलअप करके रखा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उसके पास का एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताता हूं, इन्होंने आपको बताया भी है, इफ एनी कैंडिडेट फेल टू सबमिट एनी प्रेफरेंस लेटेस्ट बाय 24 फरवरी 2020, यानी कि 24 फरवरी 2020 तक अगर आप एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चूज नहीं कर पाते इन पोस्ट पर, तो यहां पर देन सेंटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट वुड बी एलोकेटेड नियर द सिटी ऑफ प्रजेंट एड्रेस मैंसन्ड बाई द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो आपने अपना प्रजेंट एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैंसन किया है, उसके नियर सिटी में जो भी एग्जाम सेंटर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड ने तय किया है, उस एग्जाम सेंटर के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अन्य एड्रेस से इस फॉर्म को भरा है और आपको कहीं दूर का सेंटर मिले, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके पास का सेंटर ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और अगर बात आपके एडमिट कार्ड की जाए, तो जैसे कि इन्होंने आपको एग्जाम डेट तो बता ही दी है, आपके फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्जाम होगा वो आपका 15 मार्च एंड 16 मार्च 2020 को होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, इसकी एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं बताई है,
क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ आपकी फॉरेस्ट गार्ड की डेट ये वाली बताई है कि कब से लेकर कब तक आप अपने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस चूज कर सकते हो, जो कि आपकी 25 फरवरी 2020 से लेकर 3 मार्च 2020 है। पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको 3 मार्च 2020 के बाद एक और PDF जारी करके बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम सेंटर इस पोस्ट के कहाँ कहाँ पर होंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ऊपर वाली पोस्ट में बताया है, साथ ही आपका एग्जाम किस डेट में होगा, क्योंकि इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए, इसलिए दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग चाहती है कि इस पोस्ट का केवल एग्ज़ाम अलग हो और इन दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम अलग हो, इसलिए यहाँ पर आपको इसका एग्ज़ाम अलग अलग से देना होगा। साथ ही उसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको जल्द ही बता दी जाएगी। और अगर इस एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग बात की जाए, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट रेंजर, तो इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 एंड 16 मार्च 2020 को तय किया गया है। और इसके दूसरे मतलब में देखते हुए तो आपका एडमिट कार्ड 10 मार्च 2020 को कम से कम अवेलेबल हो जाएगा और आप तब से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि आपको कम से कम 5-6 दिन का तो समय मिलना ही चाहिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। और जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के, तो अगर आप कहते हो तो मैं आपके लिए वो अपडेट लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।